यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं, देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब से भी यहाँ पर छात्र आए हुए हैं, क्या कहेंगे जो विरोध प्रदर्शन आपने छात्र संसद घेराव में आप लोग आए हुए हैं? जी वो पेपर स्टूडेंट के पेपर लीक हुए हैं, उसके चक्कर में पंजाब से आए हुए हैं। ये बहुत बुरी बात है जो इन्होंने किया है, ऐसा आगे से ना हो, इसे इस्तीफा देना चाहिए इसको। हम आयुष के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ BAMS BUMS BHMS तीनों हैं, पूरा आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से है। हमारे पे जैसे हमारे पे नेक्स्ट एग्जाम लगा दिया गया, ठीक है, तो कोई भी कानून जब बनता है तब लगाया जाता है। इन्होंने क्या किया है कि NCISM में एक बॉडी है जो बनी 2021 में है और कानून लगा रही है 2016 17 18 19 के जो बच्चे हैं उन पे, उन हम लोग का जो बैच है, मतलब जो हमारी बॉडी जिनके थ्रू हम एडमिशन लिए थे वो CCISM थी, जिस बॉडी के थ्रू हमने एडमिशन लिया था। उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था कि हमारे 4.5 साल कॉलेज, 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद से हमें प्रैक्टिस करने के लिए एक नया पेपर देना होगा जिसे नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। अब NCISM बॉडी बनी 2021 में, CCISM को विलुप्त कर दिया गया, ठीक है, तो CCISM के बच्चों के साथ ये बोला गया था कि आपके साथ कोई ऐसा कुछ नया नियम नहीं लगाया जाएगा, जो CCISM में थी वही रूल आप पे लागू होगा। लेकिन NCISM बॉडी जो है वो हम पे नेक्स्ट पेपर लगा रही है कि अगर आप नहीं करते हो तो आपको प्रैक्टिस नहीं करना दिया जाएगा, करने नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। छात्र संसद घेराव में ही आए, हाँ छात्र संसद घेराव में ही आए, और हमारा आयुष मिनिस्ट्री से ये मांग है कि आपको कानून लागू करना है लागू करो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नया बैच है जब से आप लागू कर रहे हो कानून उस बैच से लागू करो। कानून मान के चलिए आज बना तो अब 10 दिन बाद वालों पे, 10 साल पीछे वाले, 5 साल पीछे वालों पे थोड़ी जो लगा सकते हो। आज कोई कानून बना तो आज के बाद इम्प्लीमेंट करो, कल से इम्प्लीमेंट करो। तो 2021 में कानून बनाए हो तो 21 से इम्प्लीमेंट करो, 22 से इम्प्लीमेंट करो, 23 से करो, 16 17 18 19 वालों पे इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा क्या? सारे सिलेबस चेंज है और आपको पेपर भी लेना है तो कुछ पहले से बताओ। अब हम 16 17 की से हमारा फाइनल चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है, नहीं तो कोई बच्चा इंटर्नशिप में, तो अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि आप पेपर लोगे क्या, तो हम तैयारी क्या करेंगे? हम इंटर्नशिप करें वहाँ ड्यूटी दें कि आपका तैयारी करके पेपर दे, नहीं तो हमारा तो ऐसे नहीं होगा, तो हमारा तो सारा का सारा ऐसे बर्बाद हो जाएगा। कि आपको जो भी करना है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना है, जो भी करना है करो, लेकिन एक पद्धति ढंग तरीके से करो। अगर नहीं होता है जो आप कह रहे हैं मान, ऐसे कैसे नहीं होगा? हम बैठे रहेंगे, अपना धरना देंगे, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी हम अपनी मांग करेंगे, आगे देखिए क्या होता है, हम तो अपना मांग करते रहेंगे। हमारा जो मुद्दा है वो नेक्स्ट एग्जाम का है। नेक्स्ट एग्जाम क्या है? बेसिकली ये 2020 में लॉन्च हुआ था, 2020 में ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हुआ था, चाहे वो MBBS BMS या BUMS के हों। लेकिन अभी 2020 में फिर ये फैसला लिया गया कि जो न्यू बैच आएंगे उसी को देंगे। हमने उत्तराखंड की RTI का फोटो भी हमारे पास, उन्होंने उस टाइम हमको ये जवाब दिया था कि जो न्यू बैच आएंगे वो होंगे। लेकिन 2023 में होता क्या है कि सडनली हमसे कहा जाता कि तुम भी ये वाला टेस्ट दो, MBBS वाले नहीं देंगे, बस आयुष वाले जिसमें BMS BUMS और BHMS के स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग देंगे। अब सर जो है आपसे कोई कहे कि आप जो है मेरठ से जंतर मंतर तक आ जाओ, आपको जो हम जो है न्यूज़ चैनल चलाने की परमिशन देंगे, आप जो अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके अपनी मेहनत करके जंतर मंतर तक पहुँच जाते हैं, जंतर मंतर पहुँचने के बाद सरकार आपसे कहती नहीं जी आप जो है अभी अमेरिका और जाओ, अभी न्यूयॉर्क और जाओ, तब हम आपको परमिशन देंगे, तो आपको मेंटली प्रेशर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर हमको ये टेस्ट देना था तो हमें 2017 में क्यों नहीं दिया? मैंने जो है नीट एग्ज़ाम दिया, कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फाइनल के एग्ज़ाम दिए, क्या ये 5 एग्ज़ाम मैंने भारत सरकार के अंडर में नहीं दिए? क्या ये भारत सरकार मेरे 5 एग्ज़ाम जो भारत सरकार क्यों इनको वैलिड नहीं करती? इसके साथ साथ इसमें भी भेदभाव, एक तो हम आयुष वाले सिर्फ दें और जो दूसरे लोग हैं वो ना दें, और इसमें हम में भी भेदभाव, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने जो मेरे साथ के दूसरे कॉलेज के बैच के हैं जिनका सरकार ने पहले एग्ज़ाम फाइनल ईयर के ले लिए उनको तो ये टेस्ट नहीं देना, जिनका जो है 20 दिसंबर। मांग क्या है? मांग ये है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम को हटाया जाए और इसको न्यू बैच से लगाया जाए, क्योंकि हमें हमारे PG के लिए तैयारी करनी है, हमारे पास ये फालतू के और ज़्यादा बार बार आपकी नहीं मानी जाती है। इसमें हमने जो है पहले लोकल लेवल पर अपने कॉलेजों में प्रेस टेस्ट किया, फिर हमने लोकल नेताओं से मुलाकात की, आज हम जंतर मंतर आए हैं, हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट से हमारा केस डिसमिस हो गया, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और हम जो है अगर हमारी ये लोग ये सरकार अभी भी नहीं सुनती तो हमारा आगे हंगर स्ट्राइक का प्लान। तो यहाँ पर डॉक्टर की तैयारी कर रहे छात्र और तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे और विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मांग है, नीट में धांधली, नेट में जो जिस तरीके से धांधली देखने को मिला,
ये सरकार की इससे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों वो परीक्षाएं जो आयोजित करती है, चाहे एनटीए आयोजित करती है कोई भी, उसके माध्यम से परीक्षाएं कैसे लीक हो जाती हैं और कोई भी जो नौकरियां देनी है छात्र को समय पर क्यों नहीं मिल पा रही हैं। इन्हीं सवालों के साथ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि तमाम छात्र जो आए हुए हैं दिख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे आप जो या विरोध प्रदर्शन करने के लिए छात्र? आप देख रहे होंगे कि पूर्व में एनटीए द्वारा पहले नीट का पेपर लीक कर दिया गया, उसके बाद बिहार पुलिस ने वहाँ पे पकड़ा लोगों को, उसके बाद एनटीए कहता है कि हमारे पेपर कोई लीक नहीं हुआ। उसके बाद 18 तारीख को दोबारा यूजीसी नेट का पेपर होता है और उसके वो भी लीक हो जाता है, जिसके बाद एनटीए अगले दिन उसे कैंसिल कर देता है पेपर को। आप जो नीट के पेपर उसमें 24 लाख लोगों ने पेपर दिया, जो यूजीसी नेट है उसमें 9 लाख लोगों ने पेपर दिया, लगभग 50 लाख छात्रों ने पेपर दिया, उनकी फीस 1000 रुपये तक है, करोड़ों रुपये का सरकार घपला कर रही है और जो गरीब तबका है वो कहीं पैसे जोड़ जोड़ के अपने बच्चों की फीस जमा करता है एंट्रेंस की। इन सभी को देखते हुए एनएसयूआई पूरे प्रदेश में और पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एबीवीपी है और बीजेपी है, वो अभी भी प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, और जब वो बात कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रशिया की वॉर रुकवा दी, यूक्रेन की वॉर रुकवा दी, तो हम कह रहे हैं कि जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश में ही एक नीट पेपर की को लीक होने से नहीं बचा पा रहे, नहीं रुकवा पा रहे हैं, तो इससे अब संदेह उठता है उनकी काबिलियत के ऊपर भी और उनकी ईमानदारी के ऊपर भी। उठ रहा है, लोगों ने वोट दिए हैं तो वो जीते हैं, लेकिन अब की बार जो उनको झटका मिला है, ये 400 पार की बार कर रहे थे, बीजेपी अपने दम पे 250 पार नहीं हो पाई, 240 पर रुक गई, अगली बार इनकी विदाई जनता ठीक से करेगी। संसद घेराव करने के लिए आप लोग पहुंचे हुए हैं, इस संसद घेराव से क्या मैसेज जाता है, क्या करने वाले हैं आप? संसद घेराव से हमारे बड़े नेता रखे हैं यहाँ पे, जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रखे हैं, उनके नेतृत्व में हम सब संसद घेराव करेंगे, जिसका एक लोगों की तरफ एक मैसेज जाएगा कि हम इन बच्चों के साथ में ही हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।